सेम हमने जो है ना बिट वाइज ऑपरेटर तक डिस्कस किया था, तो यहाँ से अब मैं कंटिन्यू करूँगा। आवाज सबको आ रही है? जी जी सर, सर। शो, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास जो है ना इंटीजर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, और इसके जितने भी इंटीजर है ना, लॉन्ग है, एंट है, शॉर्ट है, करेक्ट है, बाइट, सबके ऊपर अप्लाई होता है। और इसका एक हाथ स्पेशल पर्पज है बिट वाइज ऑपरेटर का, छोटा सा एक पर्पज है, लेकिन मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। बेसिक एंड और नॉट, एक्सॉर ऑपरेटर है, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, और राइट जीरो फेल है। इसी तरह असाइनमेंट के है, लेकिन मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा शिफ्ट ऑपरेटर, वो जो हमने याद है हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, वही चीज है हमारे यस पास। सर, तो जावा के अंदर भी इसी को हम, ये जब मैं एक जगह पे इंटरव्यू दिया था तो इसके बारे में मुझसे पूछा गया था, तो इसलिए मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, और इसका कि बिट वाइज ऑपरेटर होते क्या है, कैसे यूज होते हैं और क्यों यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, तो चलो मैं इसको जो है ना अभी स्टार्ट करवा देता हूँ। तो अस्सलाम ये, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तो ये जो है ना कुछ ऑपरेटर ही आप देख ले, ठीक है, कि इसको हम पर कैसे यूज करते हैं, इनका पूरा टेबल आपके सामने गिवन है, लेकिन जो मैं पढ़ाना चाहूंगा उसके ऊपर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। और ये इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है ना जावा के अंदर, पॉजिटिव नंबर को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना 101 के फॉर्म में, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 और -10 है तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? ठीक है, सर, जो पॉजिटिव नंबर होता है उसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होती है, जो हाँ, और जो दूसरा होता है वो नेगेटिव तो माइनस। उसकी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोडिंग स्कीम जो यूज करता है ना जावा, वो है टूज कंप्लीमेंट के अंदर। ठीक है, कौन सा कोडिंग स्कीम यूज करता है? टूज कंप्लीमेंट यूज करता है। ठीक है, आपने आईटीसी के अंदर भी ये डिस्कस किया होगा कि टूज कंप्लीमेंट को हम कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट कंप्लीमेंट को कैसे यूज करते हैं। अभी मेरे पास है दूसरा लैपटॉप नहीं, बट मैं आपको बता देता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल -42 है ना, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा टूज कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट के अंदर? पहले तो आप इसके बाइनरी निकाल दें, तो इसका बाइनरी क्या है? 0010010। ठीक है, एलसीएम निकाल के ना बाइनरी कोड इसका ही निकलेगा ना, फिर क्या करेंगे आप इसके साथ? आप इसका उलट ले ले, जितनी भी बिट्स है ना आप इसका अपोजिट ले ले और एक ऐड करें एंड में, तो ये -42 बन जाएगा। कोई भी नंबर आपने टूज कंप्लीमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसका बाइनरी, आप बाइनरी का अपोजिट ले, मतलब जो 1 है 0 कर ले, जो 0 है 1 कर लो, फिर एंड में एक ऐड कर लो, इस नंबर के साथ एक ठीक ऐड सर, कर ले, तो इससे आपके पास वो नंबर माइनस में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये देखिए माइनस में रिप्रेजेंट हो गया ना, इसका लास्ट MSB 1 आया ना, तो इसका मतलब क्या यस है सर, कि ये -42 है। ठीक है, जी फिर जब डिकोड करते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर, तो वही प्रोसेस होगा कि आप इन्वर्ट कर ले सारे बिट्स को। ठीक है, और एक माइनस करना उसमें से। तो जब आप इन्वर्ट करेंगे और ऐड करेंगे, तो 1 इसके साथ ऐड करेंगे, तो आपके पास जो नंबर है ना वो 42 आ जाएगा, और इसके साथ एक ऐड कर लेंगे एंड पे। तो चलो ये तो एक प्रोसेस है जावा, कैसे, हमने इससे कोई गरज नहीं है कि एक प्रोसेस कैसा होता है। जैसा आपको बता रहा था एमसीक्यूज में आ जाए कि जावा नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कौन सी कोडिंग स्कीम यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टूज उस कंप्लीमेंट को यूज करता कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ये बिट वाइज का लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी आप खुद देख ले, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे आपके आसानी के लिए यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, ठीक हो गया, यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट है। ये जो लेफ्ट शिफ्ट है ना,
اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے آپ بہت فیملیئر ہیں, آپ نے اسمبلی لینگویج میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہوگا, شفٹنگ کو وہی چیز ہے, بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہے ہمارے پاس. تو دیکھیں لفٹ شفٹ میں کیا ہوتا ہے, اب آپ مجھے آنسر دو گے, لفٹ کی طرف بیٹ کو شفٹ کرنا, اس سے کیا ہوگا بتا سکتے ہیں کوئی اکسا؟ ملٹی پلائی بائی ٹو ہوتا ہے, ہاں ملٹی پلائی بائی ڈبل ہو جاتا ہے نمبر, ٹھیک ہے, ریزلٹ کیا ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے. دیکھیں اب میرے پاس جو ہے نا 64 ہے نا, 64 دیکھیں اگر اینٹ ہے نا اینٹ, تو اینٹ کی اینٹ میرے پاس 64 ہے, اس کا یہ میرے پاس ایک کوڈ بنتا ہے فار ایگزامپل, تو اس میں یہ ہوگا کہ جب میں 64 کو ایک بٹ شفٹ کروں گا لفٹ کی طرف تو 128 بن جائے گا, جب میں 2 بٹس شفٹ کروں گا تو وہ 256 بن جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس چیز میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر بائٹ ہے نا, بائٹ میں 8 بٹس ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو چلتے چلتے اگر آپ شفٹنگ کر رہے کر رہے کر رہے اور آپ کا 8 بٹ سے ریزلٹ آگے چلا گیا, تو آپ کا ریزلٹ ڈبل کے بجائے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جب آپ انٹیجر کی بات کرتے ہیں نا, انٹیجر کے 0 سے لے کر 31 تک بٹس ہوتے ہیں نا, 32 بٹس ہوتے ہیں نا, تو آپ نے شفٹ کرتے کرتے خیال رکھنا ہے کہ 31 مطلب جو لاسٹ ایم ایس بی ہے نا, اس کو چینج نہ کرے, ہو سکتا ہے آپ کا نمبر پازیٹو سے نیگیٹو بھی ہو جائے, آپ شفٹنگ کر رہے ہیں نا, تو انٹیجر میں آپ نے 31 بٹ کا خیال رکھنا ہے, اور فلوٹ ڈبل اور لانگ میں آپ نے لاسٹ بٹ کیا ہوتا ہے 63rd, 0 سے لے کر 63 ہے نا, اس بٹ کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح شارٹ میں آپ نے 0 سے لے کر جو 15 تک بٹ سے نا, لاسٹ بٹ کا خیال رکھنا ہے کہ شفٹ کرتے کرتے آپ اس ایری سے باہر نہ نکل جائیں. تو ابھی میں ابھی اس کا آپ کو ایک پروگرام کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں مطلب ہم کیا کر رہے ہیں, دیکھیں ٹھیک ہے. تو اگر میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہم بنا, بلکہ یہ پروگرام آلریڈی ہو, چلو اس کے نام سے کر دیتے. اچھا آپ کو نیٹ بینز ابھی نظر نہیں آ رہا ہوگا, میں ابھی دوبارہ نظر نہیں آ رہا ہے نا نیٹ بینز, تو آپ کو میں اب نہیں سر ابھی نظر آئے گا, ٹھیک ہے, اب آ رہے ہیں جی سر. جی تو میں بٹ وائز کے نام سے نا جیسے بھی یہ ہے ایک ایگزامپل ہم بناتے ہیں, سر اس سافٹ ویئر کے علاوہ اور کوئی یوز کر سکتے ہیں کیا مطلب؟ سر یہ ہو نہیں رہا انسٹال, ایرر دے رہا ہے. آئی ڈی, آئی ڈی کی بات کر رہے ہیں تو اتنا آسان سا ایک سافٹ ویئر ہے, کیا مسئلہ سر؟ یہ کیا تھا لیکن ایرر دے رہا ہے, انسٹالیشن نہیں کرنے دے رہا. کیا ایرر کیا دے رہا ہے مجھے؟ آپ کو چلتا ہے بند ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اور کسی کے پاس مسئلہ آ رہا ہے؟ اچھا آپ ایکلپس یوز کریں, اس کو ٹرائی کریں, لیکن یہ آپ کریں کہ آپ کو کیوں شو آ رہے ہیں, میں ہوتا تو آپ کو میں بتا رہا تھا, اب تو ادھر مسئلہ ہی نہیں آ سکتا, تو آپ دیکھ لو. اس کے علاوہ آپ اور سافٹ ویئر دیکھ لو, اور بھی بہت سارے جاؤ کے آئی ڈی ایز آپ اس کو یوز کر سکتے. دیکھیں میں انٹیجر بلکہ بائٹ سے میں کام لیتا ہوں, کہ میرے پاس بائٹ کا ایک ڈیٹا ٹائپ ہے نا, بی ایکول ٹو میں کر دیتا ہوں, فار ایگزامپل میں کر دیتا ہوں 16 کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس بائٹ کو ہم ایک دفعہ پرنٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ہم شفٹ کرتے. تو شفٹ کیسے کریں گے, جیسے ٹھیک ہے, کیا ہم اس کو ایسے شفٹ کریں گے کہ بی ایکول ٹو, اس میں کیا ایشو آ رہا ہے, لیٹس سی,
अच्छा ये तो ऐसे ही है वैसे, इसमें तो इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसको इंटीजर कर ले, क्योंकि ये टाइप प्रमोशन की जा रही है। या तो आप ब्रैकेट में लिख दे, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे, इंटीजर में कन्वर्ट कर ले, या आप इंटीजर को कर ले तो फिर इशू नहीं आओगा। अच्छा ये मेरे पास इंटीजर है, तो आई इक्वल टू, मैंने यहाँ पे मुझे बताया जब इस दफा मैं इसका आउटपुट ले लू तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आएगा 32। ये लेफ्ट शिफ्ट मैंने किया ना, ठीक है, तो इसको चेक करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये देखिए, तो शिफ्टिंग के लिए आप लेस देन सिंबल दो दफा आप लिखेंगे तो लेफ्ट की तरफ आप एक बाइट सेंड कर ले। कितनी बाइट? एक बाइट, याद रखिए कि मैं एक बाइट सेंड कर लू। मैं दो लिखूंगा तो दो बाइट, तीन लिखूंगा तो तीन बाइट ये शिफ्ट होंगे। तो देखिए रिजल्ट जो है ना, पहले आपके पास 16 था, अब क्या आया नजर आ रहा है? ये 32 हो गया, ठीक है। आप अगर मैं शिफ्टिंग कर लू ना यहाँ पे ऐसे, मैं 3 कर देता हूँ, तो लेट सी इसके रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए, अब देखिए 128 हो गया, क्लियर है? तो ये हमारे पास होती है शिफ्टिंग, ठीक है। और अगर मैं राइट शिफ्ट की बात कर लू ना, राइट शिफ्ट में क्या होता है, देखिए मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल 38 ले लू यहाँ पे, ठीक है, मैं एक शिफ्ट कर दू तो उसके लिए राइट शिफ्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेटर सिंबल लगाने पड़ेंगे। तो ये देखिए जब इसको हम रन करते हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाँ ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर आपके पास 19 आना चाहिए, 19 आ गया। अब अगर मैं 2 शिफ्ट कर लू, अब मैं दोबारा अगर शिफ्ट कर लू इसको, बल्कि ऐसे कर दे तो पूरा सेंटेंस ये दोनों में ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ कि आपको और समझ में आ जाए। तो देखिए दोबारा जब मैं शिफ्ट करूंगा तो इसका आंसर क्या मिलता है हमें, देखिए एक में 38, फिर 19, फिर 9। अब देखिए ये इंटीग्रल डिवीजन होती है, याद रखिए 19 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा ना तो ये 9 आंसर आएगा, ठीक है, 9.5 होगा ना तकरीबन इसी तरह कुछ, तो इसमें इंटीग्रल डिवीजन होगी। इसी तरह जब आप दोबारा शिफ्टिंग करोगे, ठीक है, दोबारा अगर आप शिफ्ट करोगे तो इसका आंसर, अगर इस दफा मैं जो है ना फॉर एग्जांपल 3 शिफ्ट कर लू तो अब मुझे क्या आंसर मिलता है, ये देखिए तो मेरे पास आंसर 38, 19, 9, फिर 4, फिर 2 पे आ गया। अब ख्याल रखना है अगर मैं 4 कर दू शिफ्ट राइट की तरफ तो अब क्या आंसर मिलता है, 1 आ गया। 5 शिफ्ट कर लू तो फिर क्या है, 0 आएगा मेरे ख्याल में। इसी तरह क्वेश्चन मैं पेपर में दे सकता हूँ, एमसीक्यू टाइप आउटपुट का क्वेश्चन, तो ये जहन में रख के 0 आ गया, क्लियर हो गया। तो ये मतलब ये हमारे पास शिफ्टिंग का तौर से। अब आपके क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो ये काम तो हम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से भी कर सकते थे, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हमने क्यों यूज किया यहाँ पे? किसी के पास आंसर है? क्योंकि सर उसमें हमें बार बार डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जस्ट वो ऑपरेटर का साइन लगा के जितनी दफा हमने मल्टीप्लाई करना है हम वो लगा देंगे। हाँ वो बात भी आपकी सही है बिल्कुल, कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ये जो तरीका है ना, ये तरीका हम यूज कर रहे हैं, इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तरीका ये है कि आप अपना लॉजिक अगर किसी से छुपा रहे हैं, ठीक है, कि ये हो क्या रहा है, अगर लॉजिक छुपा रहे हैं ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कर हो क्या रहा है, उनको समझ नहीं आएगी जो ज्यादा अच्छा प्रोग्रामर ना हो। दूसरा इसका ये है
कि जब आप डिवाइडेड बाय टू और इसी तरह ये अगर काम करेंगे ना, तो उसमें देखिए टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? अगर मैं ऐसा करूँ ना कि आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल टू, इसमें ऑपरेशन देखिए इक्वलिटी का है, असाइनमेंट का है, डिवाइड का है, इनकोडिंग डिकोडिंग, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये टाइम ज्यादा लेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ये आप बिट्स के साथ प्ले कर रहे, तो इसके ये छोटे दो फायदे। आपसे कोई भी पूछे तो आप बताए कि एक तो एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा फास्ट होगा इस कंप्यूटर टू द जो हम कन्वेंशनली करते हैं, दूसरा इसका फायदा क्या है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपना लॉजिक छुपाने के लिए भी ये काम कर सकते हैं। ये तो दो बिट तीन बिट है ना, अगर आप इसको 10-15 कर लो तो किसी और को समझ नहीं आएगा कि आपका 38 क्या से क्या बन गया है, ठीक है। और इसी तरह लेस देन ग्रेटर देन ऐसा मिक्स करके आप करेंगे ना, किसी को इतनी आसानी से आपके लॉजिक समझ नहीं आएगी कि आप इसमें से क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब छोटा सा इसमें बिट वाइज का टॉपिक था कि मैं आपको आपके साथ इसको शेयर कर लूं। वैसे लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैंने कहा आप लोग को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर ये हमारे पास आप सी प्लस प्लस में पढ़ के आए, इस चीज के शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स। इफ एल्स गुड। बाकी स्विच भी इसी के अंदर आएगा ना? नहीं, स्विच इसी के अंदर नहीं है। स्विच जो है ना एफ एल्स एफ का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये जो है ना एफ एल्स का है, ये देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ कि आई इज इक्वल टू 10, ठीक है। इफ आई इज लेस देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर आई की वैल्यू 0 से स्मॉल है, तो फिर क्या करे, के में असाइन हो जाएगा माइनस वन। ये माइनस वन है, वैसे माइनस टेन हो जाएगा, ठीक है। माइनस आई 10। हाँ जी। और अगर आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो देन 10 असाइन हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए के की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 10, ठीक हो गया। और नीचे माइनस टेन, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो आई लेस देन 0 होगा बिल्कुल। तो पहला कंडीशन जब ट्रू होता है तो पहली वैल्यू, और कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। लाइक ये देखिए, अगर हम मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इसमें दे दूं, अगर किसी को समझ नहीं आ, तो लाइक अगर ये देखिए मेरे पास, मैं कहता हूँ कि एंट ए इक्वल टू 10, एंट बी इक्वल टू 20, एंट सी इक्वल टू 30। तो हम कहते कि एंट लार्ज नंबर हमने फाइंड करना है, लार्ज। ये देखे आप लोग मेरी हेल्प करें, मुझे नहीं पता इतना ज्यादा लार्ज में। मैं कहता हूं कि एफ अगर ए इज ग्रेटर देन बी, तो लार्ज में आ जाएगा ए, अदरवाइज लार्ज में आ जाएगा बी। अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन है, क्या था यहाँ पे सेमी कॉलन था? क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये एक इसमें ये तो है, इसमें एरर क्या आ रहा है? अच्छा, एफ तो इसमें है नहीं ना। ओके, अब देखिए अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो लार्ज में आ जाएगा ए, अदरवाइज क्या आ जाएगा बी। क्लियर हो गया? दोबारा करें, दोबारा करें कि इसमें क्या होगा कि एफ लार्ज इज ग्रेटर देन, अगर लार्ज इज ग्रेटर देन सी तो लार्ज में आ जाएगा क्या, अगर सी से ग्रेटर है तो लार्ज ही आएगा, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज क्या आएगा? सी। ठीक है सर। लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। देखिए अब इसका रिजल्ट देखिए, आपको बता देता हूँ कि इसमें रिजल्ट क्या आया है मेरे पास। थर्टी, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको 100 कर दूं ए को, आप क्या रिजल्ट मिलेगा? 100 कर देंगे
एक मैंने 100 करे तो लार्ज के अंदर क्या स्टोर हो गया, 100 लार्ज हो गया ना, फिर सर 100 आ गया। तो ये जो फॉर्म है ना, ये आप एफ एल्स में भी कर सकते हैं और आप शॉर्ट फॉर्म में भी, ये इसको कहते हैं कंडीशनल रूटेड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे मेरा खत्म हो गया, ठीक है, और इसके बाद हम दूसरा चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरा चैप्टर हमारा होगा, इसी में किसी को क्वेश्चन हो तो बताएं।